नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मॉर्निंग से आप लोगों के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये अंतिम शिफ्ट आ चुकी है 6 तारीख की। और अब जो अंतिम शिफ्ट में हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से नहीं पूछेंगे, कुछ ही पूछेंगे, बाकी हम जो है नॉन टेक्निकल पे फोकस करेंगे, क्योंकि 7 से 11 तारीख तक जो है वहाँ पर नॉन टेक्निकल से ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। ट्रेड का जो इलेक्ट्रिशियन का था वो अब पार्ट ख़त्म हो गया है, अब वो नेक्स्ट ईयर के लिए रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक जो है आपसे टेक्निकल का ही पूछ लेता हूँ, ईडी के क्वेश्चन आपको देखने को मिले? हाँ जी सर, ईडी के क्वेश्चन देखने को मिले, सिंबल वगैरह पूछे गए थे उसमें। कितने क्वेश्चन होंगे ईडी के? ईडी के अप्रोक्स 1 या 2 क्वेश्चन थे। वर्कशॉप कैलकुलेशन से क्वेश्चन? हाँ, वर्कशॉप कैलकुलेशन से में भी 3-4 के आसपास थे अप्रोक्स। और एग्जाम सेंटर पे मैनेजमेंट ठीक था, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं? उसकी सिस्टम सब कुछ एकदम बढ़िया था। तो अब लोग हम जो है आप लोगों के लिए नॉन टेक्निकल पे आ जाते हैं, क्योंकि कल से जो है बच्चों को नॉन टेक्निकल पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉन टेक्निकल बच्चों का जो है अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ तो उसकी जो है कट ऑफ थोड़ी गिर जाएगी और दिक्कत हो जाएगी एग्जाम को। और एग्जाम का लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। मैं पूरा एनालिसिस आप लोगों को वादे के अनुसार 13 या 14 तारीख को कट ऑफ का जो है एनालिसिस करके दे दूंगा। बाकी नॉन टेक्निकल से आपको जो है सिनोनिम के क्वेश्चंस देखने को मिले? हाँ जी सर, सिनोनिम के आए थे। कितने क्वेश्चंस होंगे? एक क्वेश्चन था उसमें का। और एंटोनिम के? एंटोनिम का नहीं आया था एक। तो सिनोनिम और एंटोनिम के लास्ट शिफ्ट में देखने को मिले, तो रिक्वेस्ट है आप इन पे थोड़ा फोकस कर लेना और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ रहे। सिनोनिम से एक हार्मफुल का आपसे पूछा था कि जो है सिनोनिम क्या होता है, और उसके बाद एंटोनिम से आपके पास नहीं आया, आपके पास आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आया था। उसके बाद सेंटेंस एरर में? सेंटेंस एरर में 3-4 अप्रोक्स क्वेश्चन थे उसमें। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन में? उसके भी 3-4 थे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में? फिल इन द ब्लैंक्स के भी थे 6 क्वेश्चन। हाँ, प्रीपोजिशन। उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे? सेंटेंस अरेंजमेंट के हाँ, एक कॉम्प्रिहेंशन में? कॉम्प्रिहेंशन का इतना याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उसके बाद हम लोग क्वांट पे आ जाते हैं, मैथमेटिक्स रीजनिंग इस पे आ जाते हैं। इसमें कैसा लेवल था? इसमें लेवल जिसने क्या उसके लिए इजी था, बाकी जो अधिकतर जो क्वेश्चन थे वो परसेंटेज में से थे, जो परसेंटेज में से। और आपका जजमेंट में से क्वेश्चन आया था? जजमेंट में से एनालॉजी में से नहीं थे। स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग बताना चाहोगे? रेशियो प्रोपोर्शन में से क्वेश्चन आया था। रेशियो। उसके बाद अर्थमेटिकल में से क्वेश्चन थे, अर्थमेटिकल रीजनिंग में से? अर्थमेटिकल रीजनिंग में से नहीं। नॉन वर्बल में से? नॉन वर्बल रीजनिंग, ऐसे मतलब उनको किसी पार्ट में बांटना मुश्किल है। कोडिंग डिकोडिंग? नहीं सर, कोडिंग डिकोडिंग भी नहीं। इससे पहली वाली शिफ्ट में आया था। दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं ना? दिशा वाले क्वेश्चन, अच्छा, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन। और बाकी ये भी था, 3-4 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर से क्या देखने को मिला? करंट से आया तो था क्वेश्चन, करंट अफेयर से जो है बताया था इन्होंने मुझे, एक क्वेश्चन आया था। बाकी करंट अफेयर्स इनका जीएस था। हमारा जो है रक्षा मंत्री है। ठीक है, रक्षा मंत्री आप सभी जानते हैं क्या है उसका आंसर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिले? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से नहीं सर। कोई एब्रीवेशन देखने को मिली, शॉर्ट फॉर्म देखने को मिली किसी की? शॉर्ट फॉर्म या सर फुल फॉर्म वगैरह पूछी? हाँ, किसकी थी आइडिया? एमसीबी की, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से पूछी गई थी। अच्छा, और बाकी वो आईसीएम करके कुछ एक फुल फॉर्म थी वो। अच्छा, उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से क्वेश्चन मिले? फाइनेंशियल से, इकोनॉमिक से कुछ क्वेश्चन? फाइनेंशियल से क्या? अच्छा, फाइनेंशियल से सर बजट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया? उसके बाद आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से नहीं। फीफा से कोई क्वेश्चन आया? नहीं आया। G20 से भी बुक एंड ऑथर में से कोई क्वेश्चन दिखा आपको? उसके बाद अवार्ड एंड ऑनर में से जो रिसेंटली अवार्ड दिए गए हो किसी को? नहीं नहीं, उसमें से भी नहीं। नहीं हुआ। साइंस इन्वेंशन में से, डिस्कवरी में से कोई क्वेश्चन? नहीं, डिस्कवरी में से भी कोई। कुछ इम्पोर्टेंट डेज? हाँ, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था डेज के बारे में। हाँ, यही कि मान लो जो 10 महीने अगले महीने को सोमवार पड़ रहा है तो हो सकता है 3-4 महीने के बाद। हाँ, कितना तो वो आपका उसमें आ गया। हाँ, जो रीजनिंग मैथमेटिक्स वही उसमें आप लोगों का आ गया। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट पेपर का लेवल नहीं था, बट पेपर का लेवल जो है अगर हम इसको देखें तो बहुत ईजी था। बाकी आप समझ सकते हैं कट ऑफ आप लोगों को ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं आया। ये इलेक्ट्रिशियन का आप लोगों के लिए पूरा रिव्यू मैंने कर दिया है, बाकी कल मैं आप लोगों के लिए जो है पूरा प्रॉपर फिटर का रिव्यू लूँगा। कल जिस भी ट्रेड का एग्ज़ाम है कल उसका रिव्यू लूँगा, आज एक ट्रेड का एग्ज़ाम था। बाकी हम आप लोगों से कल मिलते हैं, और बाकी आप सबको जो है बेस्ट ऑफ लक है। अंत में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। हमने जो आपको नोट्स दिए
उससे आपको बेनिफिट हुआ या नहीं? सर बिल्कुल बेनिफिट हुआ, सच्ची बताना बेनिफिट हुआ? बिल्कुल सर। चलो थैंक यू सो मच, आधे क्वेश्चन तो आपके उसी से ही हुए हैं। चलो थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखो हम लोगों ने जिस वे में आप लोगों को लेके चले थे, हमने यही सोचा था कि आप लोगों को उससे बेनिफिट हो। बिल्कुल। तो आप लोगों को बेनिफिट हुआ और इससे हमें भी बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं आशा करूंगा कि आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो। बाकी अगर आपने अच्छे तरीके से आगे अंदर जाके जो अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा तो आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। बाकी मैं कल भी और बच्चों के लिए एनालिसिस करूंगा। बच्चों के लिए कोई गाइडेंस देना चाहोगे? यही है कि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करो, और बाकी सर तो हैं ही, अपडेट देते रहते हैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए। और बाकी आप कुछ सब कुछ तो सुनने बताई दिया। चलो ठीक है, बाकी धन्यवाद और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। कल आप लोगों से दोबारा मिलेंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इन बच्चों को भी अपने घर जाना है। मैं सुबह 7:30 बजे का यहाँ पर आ रखा हूँ आप लोगों के लिए। बाकी मिलते हैं कल आप लोगों से, बेस्ट ऑफ लक, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए।